नमस्कार दोस्तों, जी आर इंफ्रा लिमिटेड आईपीओ की डिटेल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका अलॉटमेंट स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं और इसके अंदर आज के टाइम पे क्या जीएमपी चल रही है, ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम चैनल के अंदर डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आप चाहता हूँ कि आप जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं इस तरीके के अपडेट्स लेके आता रहता हूँ ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं वो आप मिस ना कर दें। फ्यूचर के अंदर और भी ज़बरदस्त ज़बरदस्त आईपीओ आने वाले हैं और उनके लिए मैं सारी छोटी से छोटी डिटेल्स भी आपको इस चैनल के ऊपर ला कर देता हूं। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए करेंगे, आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिल जाए करेंगे हमारे चैनल से। सो फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं, नीचे जाके दिखाता हूँ इसकी फ्रेंड्स डिटेल्स, इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो क्या चल रही हैं। तो फ्रेंड, जो आईपीओ ओपन हुआ था वो 7 जुलाई को ओपन हुआ था और आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट थी वो 9 जुलाई की थी। इसके साथ ही साथ पैरेलली के अंदर हमारा क्लीन साइंस आईपीओ भी चल रहा था और इसकी जो अलॉटमेंट डेट है फ्रेंड्स वो 14 जुलाई की है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप 14 जुलाई को अपडेट नहीं चेक कर पाएंगे, जिसके पीछे रीजन ही होता है कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट मीन जो कंपनी है वो आपके जो आपकी जो एप्लीकेशन है उनको रिव्यू करती है और आपको लॉटरी सिस्टम के हिसाब से इसको अलॉट करती है, लेकिन वो आपको बताती नहीं है, आपको पता चलेगा अगले दिन। मतलब आप जो है इसके अंदर चेक कर पाएंगे 15 जुलाई 2021 को, मतलब 15 जुलाई को आपको जो रिफंड भी है वो भी मिल जाएंगे, मतलब आपके जो यूपीआई मंडेट है वो रिवोक हो जाएगी अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली। अगर आपको मिल गई है तो आप रजिस्टर की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो साथ साथ फ्रेंड्स, 16 जुलाई को क्या होगा, आपके जो डीमेट अकाउंट के अंदर जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो अकाउंट में डीमेट अकाउंट में आप शेयर्स कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ऊपर आई बटन पर एक वीडियो दे दी है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ साथ फ्रेंड, बात कर लेते हैं लिस्टिंग डेट की। लिस्टिंग डेट 19 जुलाई की सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है फ्रेंड, लिस्टिंग डेट जो कि 19 जुलाई की है। 19 जुलाई को ये आईपीओ जो है वो एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ प्राइस जो था इसका 837 रुपीज़ था, मतलब फ्रेंड्स 837 रुपीज़ के ऊपर अगर आपने कट ऑफ पे क्लिक किया है तो आपके अलॉटमेंट चांसेस बढ़ गए हैं। और फ्रेंड्स, अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने का जो दूसरा तरीका मैंने अपनी बाकी वीडियोज़ में बताया हुआ है वो है कि आप एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, अभी भी जो जोमेटो का आईपीओ मार्केट में चल रहा है और भी अच्छे अच्छे आईपीओ आने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उनका भी आप अलॉटमेंट चांस जो है बढ़ाएं, तो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर डीमेट अकाउंट आपको ओपन करवाना जरूरी हो जाता है। उनके नाम पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने डीमेट अकाउंट का जो लिंक है वो नीचे दे दिए हैं, जल्दी से जाइए और वहाँ से डीमेट अकाउंट बना लीजिए। फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिलेंगे और आपको आसानी भी होगी, आप वहाँ पे क्लिक करते ही डायरेक्टली आप अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त देखने को रहा था फ्रेंड्स। ओवरऑल ये ना 102 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, 102 टाइम्स मतलब एक लोट के ऊपर 102 एप्लीकेशंस ऑलरेडी हैं। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस जितना ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, उतना ही ज़्यादा इसका जो लिस्टिंग गेन्स है वो हमको मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ साथ फ्रेंड्स, इसकी रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी रही थी, देख सकते हैं आप सभी ने, मतलब जो ऑलमोस्ट जो अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं, जो अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इसके अंदर हमको अप्लाई करने का यहाँ पर जो है मौका दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए। बाकी फ्रेंड, नीचे जाते हैं, इसका कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो मैं बता देता हूँ आपको, के फिनटेक जो है कंपनी का रजिस्ट्रार है और इसी की साइट के ऊपर जाके आप इसका जो है अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाकी इसकी जो मैं डिटेल्स हैं, अगर आपको रिफंड भी नहीं मिलता है तो आप इन्हीं से कॉन्टैक्ट करना, आपको इन्हीं पर ईमेल डालनी है, मैं आपको जो ये है डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अभी इसके अंदर अलॉटमेंट कैसे चेक करनी है। आपको सिर्फ गूगल के ऊपर जाना है और आपको नाम लिखना है के फिनटेक। जैसे ही आप के फिनटेक लिखेंगे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस का, आपको आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे आप आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 सर्वर का जो लिंक है मिल जाएगा, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं आपकी आसानी के हिसाब से। मैं लिंक 1 के अंदर क्लिक करता हूँ, जो वर्क करे उस टाइम पे आपको उस पर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश आता है एक टाइम के ऊपर, तो इसलिए इन्होंने 3 लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करते ही इस विंडो ओपन हो जाएगी। आपको रिसेंट आईपीओ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मुझे नहीं दिखा रहा है हमारा जो आईपीओ है यहाँ पर जी आर इंफ्रा का। यहाँ पर आप देख सकते हैं और बाकी की जो आईपीओ अभी लेटेस्ट आए हैं, जैसे दूधला डेयरी का हो गया, इंडिया पेस्टिसाइड्स का हो गया, ये सब हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, जिसके अंदर अगर आप अलॉटमेंट चेक करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको अलॉटमेंट अभी चेक करके दिखाता हूँ, मैं जैसे श्याम मेटालिक्स के आईपीओ मैंने अप्लाई किया था, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको आईपीओ चूज़ करना है, यहाँ पर मैंने श्याम मेटालिक्स किया है, आपको यहाँ पर जी आर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एप्लीकेशन नंबर, क्लाइंट आईडी या पैन नंबर। तो फ्रेंड्स, इन तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आपके पास वो डिटेल्स होनी चाहिए। एप्लीकेशन नंबर जिससे आपने अप्लाई किया है वो आपकी ईमेल आईडी पे आ चुका होगा। क्लाइंट आईडी मतलब जिस ब्रोकर के थ्रू आपने अप्लाई किया है वो आपको एक क्लाइंट आईडी देते हैं आपको उसके थ्रू। और जो थर्ड फ्रेंड पैन नंबर सबसे ईजी रहता है, मैं पैन नंबर को यूज़ करता हूँ। फिर आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है कैपिटल के अंदर, जैसे आप सबमिट करें, जैसे आप देख सकते हैं अभी मेरी कुछ डिटेल दिखा रहा है, मेरा एप्लीकेशन नंबर दिखा दिया, इसने इश्यूअर दिखा दिया, शेयर्स अप्लाइड मैंने 45 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और मुझे 0 अलॉट हुए थे, यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी यू हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी शेयर अगेंस्ट योर एप्लीकेशन। दे आप देख सकते हैं मुझे इस वाली आईडी से मुझे नहीं मिला था, बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैंने एक से ज़्यादा आईडी से अप्लाई किया था और मुझे दूसरे वाली आईडी के अंदर इसका जो है अलॉटमेंट मिल गया था और मैंने अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट जो 28% का जो लिस्टिंग गेन्स है वो मैंने इसके अंदर मिल गया था मुझे। और इसीलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई करो तो आपके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी जल्दी से जाके आप
डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। बाकी फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं जीएमपी आज के टाइम पे क्या चल रही है। जीएमपी के लिए फ्रेंड्स मैंने एक साइट ओपन की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आज के टाइम पे 470 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक 470 का मतलब ये है कि आपका जो प्राइस है, इशू प्राइस है, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे हमारा जो इशू प्राइस है वो 837 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 840 रुपीज़ के आसपास है, और ये हमको इसके अंदर 470 अगर इसमें ऐड कर दे तो हमारे पास निकल के आता है हमारा लिस्टिंग डे जो इसका प्राइस रहने वाला है बुक है। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास निकल के आता है फ्रेंड्स 1307 रुपीज़ के आसपास, मतलब कि इसका जो लिस्टिंग डे जो प्राइस होने वाला है फ्रेंड्स वो 1300 के आसपास कुछ होने वाला है। और 1300 के आसपास जब इसका प्राइस होगा तो आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट 470 रुपीज़ जो है, मतलब हमारा जो आधा ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है उसको आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है एक लॉट में कितने शेयर्स हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एक लॉट के अंदर 17 शेयर्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास निकल के आ रहा है 7790, मतलब ऑलमोस्ट 8000 के आसपास का जो प्रॉफिट है आपके यहाँ निकल के आ रहा है। मतलब अगर आपने एक लॉट के अंदर अप्लाई किया है और आप अगर इसको 1300 रुपीज़ के आसपास सेल करते हैं लिस्टिंग डे वाले दिन, तो आप 7000 या ऑलमोस्ट 8000 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट यहां से बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके अंदर लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी की बात करें तो अगर मैं पर्सनली क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया था, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर 8000 के आसपास के मतलब इसके अंदर प्राइस मिल रहा है तो मैं अपना यहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स आज की डेट पे यहां पर नेगेटिव में जाने के कोई भी चांस नहीं दिख रहे हैं, ये जो आईपीओ है ये डिस्काउंट में लिस्ट नहीं होगा, मतलब ये नेगेटिव में नहीं होगा, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएगा। बट फ्रेंड्स मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बाय किया है, बट मैं ये नहीं कहता कि लॉन्ग टर्म की कंपनी अच्छी नहीं है, इसके काफी अच्छे जो फाइनेंशियल वो देखने को मिल रहे हैं, काफी अच्छे इसके जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने इसको काफी अच्छा कंपनी को अब तक होल्ड करके रखा है, और इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है वो भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप अपने जो पर्सनल इन्वेस्टर्स हैं जो आपके पर्सनल ब्रोकर हैं उनसे जरूर कॉन्टैक्ट करें, और रिसर्च करने के बाद खुद से आप इसके अंदर फ्यूचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसके अंदर नीचे का जो प्रीवियस ट्रेंड है जीएमपी का वो भी आप नीचे जाके देख सकते हैं। बाकी आई होप कि आप समझे होंगे जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी थैंक यू फॉर